चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको बता दें कि रांची के रिम्स में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने उनसे मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने पापा के साथ घंटों बिताए। अब जब दीदी और पापा साथ बैठे तो तेजस्वी की शादी की चर्चा उठनी लाजमी है। दीदी के कहे के मुताबिक तो यही लगता है कि इस बार बिहार चुनाव के बाद तेजस्वी यादव की शादी की शहनाई बज ही जाएगी। पापा से मिलकर धन्नो ने कहा कि पापा परिवार और बच्चों को बहुत मिस कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पापा से परिवार के बारे में खूब बातें हुई है, लगे हाथ उन्होंने तेजस्वी की शादी की भी चर्चा छेड़ ही दी। पापा से मिलकर जब वे बाहर निकली तो बहुत ही सधे अंदाज में कहा कि अभी वे अपना पॉलिटिकल कैरियर संभालने में लगे हैं, उसके बाद वे शादी कर लेंगे। दीदी ने इशारों ही इशारों में कह दिया कि बिहार के चुनाव के बाद तेजस्वी यादव की शादी पक्की है। सही भी है, फिलहाल तेजस्वी अभी चुनाव में व्यस्त हैं, शादी के बारे में सोचने का वक्त तक नहीं है उनके पास। हाँ, ये जरूर है कि बिहार की अग्नि परीक्षा में पास होते ही इस बार परिवार वाले उनके हाथ जरूर पीले कर देंगे। मीसा ने कहा पापा से मुलाकात के बाद उनकी सेहत को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने भगवान से प्रार्थना कर की कि वे पापा को जल्दी ठीक कर दें। इसी बीच लालू यादव का मेडिकल बुलेटिन भी जारी हुआ है, जिसमें उनके चिकित्सक डॉक्टर डीके झा ने कहा कि उनका स्वास्थ्य फिलहाल सामान्य है, उनकी किडनी 50% काम कर रही है और शुगर लेवल ऊपर नीचे होते रहता है। उन्होंने अभी ठंड के समय में गुनगुनी धूप में लालू यादव को बैठने की सलाह दी है और साथ ही सादा भोजन लेने को कहा गया है। लालू से शनिवार को संधि कैप्टन अजय सिंह यादव और नोखा की विधायक अनीता देवी ने भी मुलाकात की। तो आपको बता दें कि बिहार चुनाव यानी इस साल के चुनाव में के बाद से तेजस्वी यादव की शादी लगभग तय मानी जा रही है। लालू प्रसाद यादव से मिलने उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती पहुंचे। पापा से मुलाकात के दौरान इस बात का भी जिक्र हुआ कि अब तेजस्वी की शादी भी कर देनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले लालू परिवार में आखिरी शादी तेज प्रताप यादव की हुई थी, जिनकी शादी के बाद से ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलने लगा और उसके बाद से ये तेज प्रताप और ऐश्वर्या का मामला कोर्ट तक जा पहुंचा और तलाक तक नौबत आ गई। इसके लिए अक्सर मीसा भारती और राबड़ी देवी पर इल्ज़ाम लगते रहे हैं और ऐश्वर्या के परिवार उन पर आरोप लगाता भी रहा है। लेकिन फिलहाल एक नई शादी की तरफ बढ़ता हुआ लालू प्रसाद यादव का परिवार और ये शादी इस साल के अंत या अगले साल के शुरुआत में होने की संभावना जताई जा रही है, यानी विधानसभा चुनाव के बाद से लालू परिवार में एक बार फिर शहनाई बजेगी और उम्मीद है कि फिलहाल तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक करियर को संभालने में पूरा वक्त देंगे और उसे संभाल पाएंगे, लेकिन उसके बाद उनकी तो शादी होनी पक्की मानी जा रही है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।